गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और लेक्चर नंबर 13 है। और जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम अजय सर है और नीचे मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ 8340669847 है और 9470850690 है। चलिए देखते हैं आज पिछले लेक्चर में लोग एटम्स किसे कहते वो पढ़ चुके थे, मॉलिक्यूल्स किसे कहते वो पढ़ चुके थे और हाउ बिग ए आर एटम्स आज हम लोग उसका स्टडी करेंगे। तो आपको सबसे पहले जानना होगा वन नैनोमीटर ये होता है 10^-9 मीटर होता है। तो इसको शॉर्ट कोड लिखते हैं 1 नैनोमीटर बराबर 10^-9 मीटर। यदि 1 मीटर पूछा जाए तो हम लोग क्लियर बोल सकते हैं 10^9 नैनो मीटर हो जाता है। ये हम लोग तो दूसरा एक पॉइंट क्या है, एटॉमिक रेडियस देखिए क्या होता है। द साइज ऑफ एन एटम इज नॉर्मली इंडिकेटेड बाय, आप कह सकते हैं एटम का जो साइज होता है नॉर्मली इंडिकेट होता है रेडियस से, उसके रेडियस से, इसी को क्या बोलते हैं एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो आप यहाँ बोल सकते हैं द साइज ऑफ एन एटम इज नॉर्मली इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस विच इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। यही क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियस कहलाता है। मतलब एटम का जो साइज है नॉर्मली वो इंडिकेट होता है बाय इट्स रेडियस, रेडियस द्वारा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ये चैप्टर बिल्कुल क्या है इसमें याद करना है, इसमें कुछ समझना नहीं है। आप जान लिए एटम ऑफ हाइड्रोजन का साइज क्या होता है, कुछ याद करने का ध्यान रखिएगा। एटम ऑफ हाइड्रोजन ये होता है साइज 10^-10 नैनोमीटर होता है। यदि एन एटम ए मोलिकुल ऑफ वाटर का जो मोलिकुल है उसका होता है 10^-9 नैनोमीटर होता है। ए मोलिकुल ऑफ हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन होता है 10^-8 नैनोमीटर। बस ये याद करना है, इसको कुछ समझना नहीं है। अब एक ग्रेन ऑफ सैंड होता है 10^-4 नैनोमीटर। एंड एंट होता है 10^-2 नैनोमीटर। ए नॉर्मल वाटर मिलन ये होता है 10^-1 नैनोमीटर होता है। ये होता है दूसरा, देखिए क्या है, बैठिए ना, पढ़ाएंगे ठीक है। देखिए एक टेक्निक का डेवलप हुआ था और उस टेक्निक का नाम था क्या, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, STM, इसी बोलते हैं स्कैनिंग टनलिंग टेक्निक माइक्रोस्कोप।
माइक्रोस्कोप। यह एक टेक्निक है जिसका इमेज इसका डिस्कवर करते टेक्निक डिस्कवर्ड ऑन 1981 फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूस द मैग्निफाइड इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ द एलिमेंट्स। देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको याद समझना है, इसमें पूरा रट आना है सुधन देखिए, जो कुछ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एटॉमिक सिंबल। ये चूंकि पुराने जमाने में ऐसा होता था, एटॉमिक सिंबल्स हम लोग रिप्रेजेंट करते थे जनरली, देखिए एटॉमिक सिंबल देखिए, बस ये सारा चीज आपको रटना है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। सिंबल्स देखिए, इसमें पुराने जमाने में जो हम लोग सिंबल यूज करते थे जनरली, जैसे गोल्ड का सिंबल क्या था, ये था गोल्ड। और कॉपर का जो सिल्वर था, देखिए पुराने जमाने में जो यूज करते थे, कॉपर का सिंबल आपका ये था। नेक्स्ट लिए किसका, लेड का। लेड मीन्स जनियर क्या होता है, ये लेड हो गया सिंबल। दूसरा देखिए क्या हो गया, मरकरी का। देखिए वो क्या देखिए हो गया, दूसरा देखिए क्या है, सल्फर का। ये सल्फर हो गया, सिल्वर का। टीन का, आयरन का, ये हो गया। कि पुराने जमाने में हम लोग ये सब सिंबल का यूज करते थे एलिमेंट को दिखलाने के लिए, लेकिन जैसे ही आपका डाल्टन सिंबल आया, डाल्टन साहब आए थे, उन्होंने अपना एक अलग सिंबल दिया अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स। डाल्टन्स ने अपना एक अलग सिंबल दिया। देखिए वो सिंबल देखिए क्या था, बस वो याद करना है प्लीज आपको, हाइड्रोजन है। इसका देखिए सिंबल क्या है, ऑक्सीजन है, ये सिंबल हो गया। नाइट्रोजन है, ये सिंबल हो गया। सिल्वर हो गया, सिल्वर देखिए सिंबल के साथ एस। अब देखिए क्या है, कार्बन है, ये कार्बन हो गया। अब देखिए क्या, सल्फर है, अब देखिए क्या हो गया, लेड हो गया, ये हो गया, फास्फोरस हो गया, ये हो गया क्या, सिल्वर फास्फोरस का हो गया, कॉपर है, ये कॉपर हो गया, जिंक हो गया, या मरकरी हो गया। मरकरी देखिए क्या सिंबल हम लोग का है, ये सिंबल क्या है, मरकरी का है। और देखिए आयरन का है, आयरन सिंबल हम लोग का ये हो गया आयरन का। अब देखिए क्या वाटर का है, वाटर का सिंबल हम लोग का ये है, देखिए तीन गोला दे दिए,
और बीच में दे दी वाटर गोला, ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसका ये सिंबल क्या हो गया, गोला, ये भी गोला और ये भी गोला, बीच में क्या किया पूरा ब्लैंक कर दिए, पूरा क्या किया भर दिए हम रंग से, कलर से रंग दिए पूरा का पूरा रंगते हैं। हाइड्रोजन डाइसल्फाइड देखिए है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड ये हो गया क्या, देखिए तीन गोला दे दिए हम लोग, ये हो गया, ये हो गया, ये सिंबल था कहने में इसका, ये डाल्टन सिंबल था। अभी जो हम लोग सिंबल जस्ट लिखे हैं ये आपका डाल्टन सिंबल था, और ये जो डाल्टन्स के पहले प्राचीन काल में था उसका सिंबल हम लोग का ये था। तो कहने में इसका ये सिंबल आज हम लोग देखे, आज के लेक्चर में कुछ समझने वाला नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना था वो सिंबल था हम लोग का। और नेक्स्ट कल हम लोग देखते हैं इस पर क्या पढ़ना है। बाय।